हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑलराउंडर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए काफी सारे अपडेट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले अपडेट की तरफ, जो कि आता है फुकरा इंसान है अविनाश को लेके। बिग बॉस में जब एक बार इन दोनों की फाइट हुई थी, तो अभिषेक ने अविनाश को कहा था कि मेरे पास इतना पैसा है कि तेरे घर हेलीकॉप्टर से अंडे भिजवा दूंगा। तो क्या वो सही में ये करने वाले हैं? तो आप उनसे खुद सुन लीजिए। अंडे डिलीवर करने किसके घर? आई स्वेयर, अगर मुंबई में ऐसी सर्विस है तो मुझे बताओ। आई एम रेडी टू मेक अ वीडियो ऑन डिलीवरिंग 37 एग्स टू अविनाश भाई ऑन हिज 37th बर्थडे, जो अभी आया था। एंड कर सकते हैं सच्ची में। आई एक्चुअली वांट टू डू दिस। क्या फुकरा इंसान लॉकअप सीजन 2 या किसी और रियलिटी शो को होस्ट करने वाले हैं? अपने लेटेस्ट ब्लॉग में इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करते हुए उन्होंने ये कहा। ट्विटर पे पोल भी डाला कि मैं होस्ट करने का। लोग पूछने लगे कि भाई साहब लॉकअप का ऑफर आया, लॉकअप का होस्ट का ऑफर आया। बता दू, लॉकअप तो हो भी रहा नहीं हो रहा, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो लॉकअप की होस्टिंग का ऑफर मुझे नहीं आया है। मुझे एक ऐसे शो का ऑफर आया है जो इंडिया में उसका फर्स्ट सीजन आने वाला है। इट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर एंड आई कैन डिस्क्लोज इट। बट अगर कमर्शियल्स मैच होते हैं और लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि अभी देखो मेरा मन बन रहा है। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी YouTube वीडियोस भी बना सकता हूँ और होस्टिंग इकट्ठे कर सकता हूँ, तो मैं हाँ करूँगा। अगला अपडेट आता है पूजा भट्ट वर्सेस फुकरा इंसान को लेके। तो फाइनली पूजा भट्ट ने फुकरा इंसान को रिप्लाई दिया। एक अकाउंट ने उनके ट्विटर पे कहा कि आप अभिषेक के ऊपर क्यों नहीं रिएक्ट कर रही हो, जबकि वो आपके और आपके फादर के अगेंस्ट काफी सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो इसका रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा, उसका प्रिविलेज है, हम जितना दूसरों के लिए बोलते हैं हम उतना ही खुद को रिवील करते हैं। आई विश हिम द बेस्ट। और पूजा भट्ट की बात हो रही है, तो पूजा भट्ट और एलविस यादव कब मिलेंगे? तो अपने लेटेस्ट ब्लॉग में एलविस यादव ने पूजा भट्ट बात किया और रिवील किया कि बिग बॉस की तरफ से एक इवेंट रखा जाने वाला है, जिसमें वो पूजा भट्ट और बाकी सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट से मिलेंगे। तो उन्होंने बोला बिग बॉस की जो पार्टी होने वाली है, जो उस टाइम नहीं हो पाई थी क्योंकि सलमान भाई थोड़े बीमार थे, वो अब हो रही है, तो उसमें मिलेंगे सारे जने, जितने भी सारे बिग बॉस वाले भाई थे हमारे, सब मिलेंगे। मौज आएगी उस दिन ना, मौज। सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा पब्लिक के, जो सोच रही है ना भाई तुम इससे बात नहीं कर रहे, उसका ये वो है। और एलबीस यादव की बात हो रही है, तो वो अगस्त के महीने में आ चुके हैं इंस्टाग्राम के टॉप 10 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में। शेयर करनी है आप सभी लोगों से भाई, एक लिस्ट आई है मेरे पास इंस्टाग्राम की तरफ से। ये है टॉप सेलिब्रिटीज ऑफ द मंथ अगस्त, एवरेज लाइक पर पोस्ट, वर्ल्ड की लिस्ट आई है, वर्ल्ड की। सबसे ऊपर है भाई टेलर स्विफ्ट, फिर है नेमार जूनियर, फिर है मेसी, फिर रोनाल्डो, फिर सेलिना गोमेज, फिर बिली आइलिश, फिर एलबीस यादव। इंडिया में एक पे आ गए रे। फिर है काइली जेनर, मेरे नीचे है काइली जेनर भाई। फिर कौन है, जोर्जियो, जॉर्जिना जियो, जो भी है भाई। फिर एम्बापे भाई, लैब फुटबॉलर एम्बापे भाई, मैं सातवें नंबर पे आ गया भाई वर्ल्ड के, ये सब तो ठीक है। और इसके साथ साथ एलबीस यादव मोस्ट लाइक सेलिब्रिटीज ऑन इंस्टाग्राम के लिस्ट में 3rd नंबर पे आ चुके हैं फॉर दी मंथ ऑफ अगस्त। तो आप देखिए इसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन था। एक रिपोर्ट और आई है कि अगस्त में जितनी भी पोस्ट डली है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें कंबाइंड लाइक्स वर्ल्ड रैंकिंग में क्या क्या है। सबसे ऊपर है रोनाल्डो, दूसरे पे मेसी, तीसरे पे तुम्हारा भाई, चौथे पे सेलिना गोमेज, पांचवे पे काइली जेनर। ये है वर्ल्ड में भाई, हम वर्ल्ड में आ गए तीसरे नंबर पे यार, इन किसी भी चीज में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।